हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे इडली सांभर और नारियल की चटनी। इसके लिए हम एक रात पहले से ही तैयारी करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमें चावल और दाल को भिगोना पड़ता है फ्रेंड्स ओवरनाइट। यहाँ मैं 2 कटोरी चावल ले रही हूँ फ्रेंड्स, और सेम कटोरी से 1 कटोरी उड़द की दाल। इसे मैं भिगो के रख दूँगी फ्रेंड्स एक रात के लिए। फिर अगली सुबह हम इसे पानी से निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर इस पेस्ट में हम स्वाद अनुसार नमक और हींग डाल देंगे फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से चला लेंगे। ये बैटर थोड़ा हम ठीक ही रखेंगे फ्रेंड्स, इसे हम पतला नहीं करेंगे। फिर एक इडली पैन लेंगे, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे फ्रेंड्स, और अपने इडली बैटर को 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारा इडली बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है फ्रेंड्स, बिना किसी ईस्ट बिना किसी इनो के। अब हम इडली बैटर को अपने इडली पैन में अच्छे से पोर करके इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है फ्रेंड्स। यहाँ हमारा इडली अच्छे से बन के तैयार है, ये एकदम स्पंजी बना है फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे दाल सांभर। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज, टमाटर, बीन्स, गाजर और कद्दू। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम गाजर डालेंगे, फिर बीन्स डालेंगे और कद्दू डाल के इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे फ्रेंड्स। नमक हम थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि हम फिर इसमें सांभर में डालेंगे नमक। फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, और इसे अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स लगभग 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम इसमें सांभर मसाला ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हम चाहें तो यहाँ पे सांभर मसाला डालने के बाद 1 चम्मच पानी ऐड कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से भून जाए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। अब हम सांभर के लिए दाल को अच्छे से धो लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ मैंने 1 कप दाल को अच्छे से धोकर कुकर में रख लिया है फ्रेंड्स। फिर इसमें मैंने 1.5 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा घी डालकर कुकर को 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर बंद करके अच्छे से दाल को पकाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सांभर के लिए दाल बनके तैयार है। अब हम इसमें भुनी हुई सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसका कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं। अब हम एक तड़का पैन लेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम चना का दाल आधा छोटा चम्मच, उड़द दाल आधा छोटा चम्मच, राई, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे और इसे दाल में छौंक देंगे फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ नारियल की चटनी बनाएंगे। नारियल की चटनी के लिए मैंने नारियल को अच्छे से छील लिया है फ्रेंड्स। फिर इसे हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे फ्रेंड्स, और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे फ्रेंड्स, और पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। फिर इसमें हम 2 बड़े चम्मच सत्तू का डाल देंगे फ्रेंड्स, जिसे हम चना का आटा भी कहते हैं। फिर इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे फ्रेंड्स। अब हम फिर से तड़का पैन लेंगे। इसमें चना का दाल, उड़द दाल, राई, लाल मिर्च, करी पत्ता डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। आप तड़का घी या तेल किसी चीज़ से लगा सकते हैं, मैं यहाँ घी में लगा रही हूँ। फिर इस तड़के को हम अपने चटनी में पोर कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इडली बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है फ्रेंड्स। यहाँ ये थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं इसे अच्छे से हाथ में नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप टच के हिसाब से समझ सकते हैं कि कितना स्पंजी बना है। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।